तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे BGMI के हिंट्स होने वाले हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा बहुत कुछ। और उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया सब्सक्राइब कर देना, 15K सब्सक्राइबर्स का हमारा गोल है। आप लोगों में से 93% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने व्यूज़ चैनल पर आते हैं उतने अगर लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो एक दिन में 25K सब्सक्राइबर्स का गोल भी पूरा हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक और अवे के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस जो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है ईवो को लेके। तो जो ईवो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं टीम ब्लाइंड, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंस्टाग्राम पे हो चुकी है। तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है पंक को लेके। तो जो पंक है उन्होंने एक IGTV वीडियो अपलोड करी जिसका उन्होंने जो टाइटल है वो रखा था अनाउंसमेंट सून। तो बहुत ही जल्दी जो पंक है उनकी न्यू टीम की जो अनाउंसमेंट है वो होने वाली है। तो जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है टीम तमिलाज को लेके। तो IYD ई-स्पोर्ट्स जो है वो हायर करने वाली है टीम तमिलाज को, ऐसे कुछ हिंट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। IYD ई-स्पोर्ट्स का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उस पर वो हमारे को VC में देखने को मिले। उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं टीम तमिलाज और IYD ई-स्पोर्ट्स। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो है वो दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये न्यूज़ कितनी सही है मेरे को नहीं पता, मेरे को एक सब्सक्राइबर्स ने भेजी थी तो मैंने आप लोगों को ये दिखा दी। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है रेगल्टोस को लेके। तो जो कल ओमेगा है उन्होंने एक IGTV डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें हमारे को रेगा की वॉइस फिर से सुनने को मिली। तो वो पहले आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि वो रेगा थे या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बात चल रही है रेगल्टोस की तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है वो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहे थे तो आज उनका फाइनली व्लॉग आ चुका है। और अगर आप लोगों को वो व्लॉग देखना है तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कोई न्यूज़ नहीं है, वो एक फ़नी क्लिप है। जब मवी जो है वो मॉर्टल की चैट में आए थे और बोल रहे थे कि मैं मस्टैंग बेच रहा हूँ अगर लेनी है तो बता, तो उस पर जो मॉर्टल है उन्होंने क्या रिएक्ट करा वो आप लोग देख सकते हैं। ऑसम, रियली हैड फन। अरे मॉर्टल में मस्टैंग बेच रहा हूँ लेनी है तो बताना। मवी क्या हुआ, मेंटेनेंस फी नहीं है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है मवी, लाए हो तो पालना पड़ेगा ना पूरा, अपने बेटे जैसे पालो अपने बेटे जैसे। मवी क्या बोलता, ले लूँ क्या मैं भी मस्टैंग? नहीं रे, हम इलेक्ट्रिक कार लेगा, हम थर्मल पावर आयन बैटरी पे चलाएगा। तो नियो पे तो उन्होंने नियो को अप्रिशिएट किया क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा रिएक्ट करा था कुछ दिन पहले स्काउट पे। तो स्काउट ने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। गुड टू सी देयर इज डेरोगेटिव आई जस्ट लव द वे नियो रिएक्टेड टू द स्पैम हैट्स ऑफ टू मैन ही इज चेंजिंग। आई थिंक ये छोटा स्टेप है टुवर्ड्स एंडिंग द टॉक्सिसिटी आउट देयर। आई होप एवरी अदर प्लेयर इन द कम्युनिटी फॉलोज दिस एंड एंड कर दे। अगर देखो प्लेयर्स के बीच में झगड़े नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली टॉक्सिसिटी बन जाती है। या देखो अब्यूजिंग इट्स नॉर्मल, यू कैन अब्यूज ब्रो, हर बंदा करता है, ऐसा एक इंसान नहीं है दुनिया में जो अब्यूज नहीं करता है। इसके बाद मैं आप लोगों को देने वाला हूँ BGMI के बहुत सारे हिंट, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक टूर्नामेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ऑर्गेनाइज करा है मॉडलिंग कॉप्स ने, जो कि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है और उनकी जो ब्रांच है वो इंडिया में भी है। तो ये एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसका जो प्राइस पूल है वो है 1,12,00,000 रुपीज़। अगर हम इसको डॉलर्स में देखें तो 1,50,000 US डॉलर्स। आप लोगों को भी इसमें मौका मिल सकता है खेलने का, आप लोगों को बस रजिस्टर करना है इनकी वेबसाइट पर जाके। इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड पे जाके भी आप इनसे बात कर सकते हैं। इनके जो मॉड है वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो इसमें बड़ी बड़ी टीम्स हैं उनको इनवाइट मिला है जैसे कि TSM, BTR। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, तो जल्दी से जल्दी जाकर आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है विलेजर ई-स्पोर्ट्स की स्क्रिम्स को लेके। तो आप लोगों को पता होगा जो स्काउट है उनको किक किया था उस दिन मैच से, और उसके बाद जो मजिक है उनको भी TSM से किक करके मैच स्टार्ट किया था। तो वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं।
एंड इसके बाद जो लोग हैं वो विलेजर ईस्पोर्ट्स को बोल रहे थे जो परितोष है उनको किक नहीं किया क्योंकि वो TSM में खेले थे, तो इसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये बताया कि जो परितोष हैं वो ट्रायआउट्स दे रहे हैं TSM के, तो आप लोगों को क्या लगता है वो TSM ज्वाइन करने वाले हैं नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस अब बात करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के हिंट्स को लेके, तो उनका नया पोस्ट हमें आज देखने को मिला जिसमें हमारे को 9 कमेंट देखने को मिले, तो लोग इससे भी हिंट लगा रहे हैं कि 9 दिन हो चुके हैं और 9 दिन बचे हैं तो जो BGMI है वो 18 को आने वाला है। तो जो हमारी सेकेंड हिंट निकल कर आता है वो है मैक्सटन को लेके, तो जो मैक्सटन है उन्होंने क्रॉन्टन की लाइव पे क्या बोला पहले आप लोग वो देख। इसके बाद जो ऋषभ है उन्होंने भी कुछ हिंट्स दिए BGMI को लेके, तो उन्होंने पहले एक स्टोरी अपलोड करी जिसमें उन्होंने लिखा कि 10 फेब को मेरा बर्थडे है और इस मंथ की भी 10 को कुछ आ रहा है क्या, तो ये हिंट हमें देता है जो 10 को ट्रेलर आने वाला है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टोरी में लिखा था अब तो बहुत ही ज़्यादा पास है, और इसके बाद उन्होंने एक क्लिप भी लगाई थी तो वो क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। जो अनाउंसमेंट आना था वो आज तो आया नहीं, आज एक छोटा सा झलक दे दिया, लेकिन एक चीज़ याद रखना आज बोला नहीं कि प्री रजिस्टर किया गया, तो कल का वेट है देखते हैं क्या होता है। एंड उसके बाद जो आकाश है उनकी हमारे को एक इंस्टाग्राम की स्टोरी देखने को मिली जिसमें हमारे को एक एडिट होती हुई वीडियो दिखाई दी, तो ये जो वीडियो है वो BGMI के ट्रेलर की है, उन्होंने इसका एक पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है वो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को नहीं पता आकाश कौन है तो मैं बता दूँ ये एक बहुत ही बड़े एडिटर हैं, तो इन्होंने भी एक हिंट दिया है ये अपलोड करके इंस्टाग्राम पे कि जो BGMI का ट्रेलर है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड इसके बाद जो स्नैक्स हैं उनसे भी पूछा गया BGMI की डेट को लेके, तो उन्होंने इस पर क्या हिंट दिया वो आप लोग देख सकते हैं। BGMI लीक रिफ्रेश करो इंस्टाग्राम का पेज, जब उन लोगों के उसमें पोस्ट आता कि यू कैन डाउनलोड इट नाउ तब आप डाउनलोड कर सकते। तो गाइज ये सब देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो 10 को हमारे को कोई ट्रेलर और 18 को गेम देखने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे को देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वीरू को लेके, तो जो वीरू है उनसे पूछा गया कि उन्होंने OR को क्यों छोड़ा था, तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या कहा वो आप लोग देख सकते हैं। सर OR क्यों लीव किए, मिस यू अ लॉट भाई, मैंने OR लीव नहीं किया OR डिसबैंड हो गया, OR का भी अलग टीमएक्स वाला लाइनअप है, OR लीव नहीं किया डिसबैंड हो गया मतलब हमारा वाला लाइनअप नहीं है अभी OR में ऐसा। वीरू हाउ यू प्ले सो ओपी। तो गाइस अब बात करते हैं हम गिव अवे की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बार भी एक गोल दिया था जो कि पूरा नहीं हो पाया था और गिव अवे नहीं हो पाया था, तो मैं आप लोगों के लिए एक दोबारा अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ गिव अवे के साथ। तो मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि गिव अवे करूँ या ना करूँ, तो आप लोगों ने क्या बोला, ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मेरे को यस के मिले, तो अब मैं गिव अवे की जो डेट है और जो गिव अवे होने वाला है वो अनाउंस करने वाला हूँ 15K सब्सक्राइबर्स पे, तो जल्दी से जल्दी 15K सब्सक्राइबर्स कर दो। मेरे को पता है कि 15K होने में सिर्फ एक दिन लगेगा, तो कल की वीडियो में मैं शायद आप लोगों को गिव अवे की पूरी डिटेल बता दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking.